क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ठीक है। ड्यूरिंग सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, यानी कि एक शॉप में क्या है, ऑफर चली है 10% डिस्काउंट की, वो सभी आइटम्स पे दे रहा है वो 10% का डिस्काउंट, चाहे कुछ भी ले लो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट ₹1450, यानी कि ये बोल रहे हैं कि कस्टमर ने, कोई कस्टमर गया, उसने क्या किया, पेयर ऑफ जीन्स लिए, ठीक है। यहां पर क्या है, पेयर ऑफ जीन्स ली, उसका जो मार्क प्राइस है वो 1450 है, एंड टू शर्ट्स मार्क एट ₹850 ईच, और जो दो शर्ट्स का जो रेट है, हर एक शर्ट का जो रेट है वो 850 है, यानी कि उसने दो शर्ट्स ली तो पहली वाली शर्ट का जो रेट होगा वो 850 होगा, दूसरी वाली का भी 850 होगा। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखते हैं, डिस्काउंट मिला है सभी आइटम्स पे, तो यहां लिख लेंगे हम कि डिस्काउंट ऑन ऑल द आइटम्स, ठीक है। यहां लिख देंगे हम डिस्काउंट ऑन ऑल द आइटम्स, जो भी आइटम्स लेंगे उसमें हमें डिस्काउंट मिलेगा कितना, 10% का, ठीक है, 10% का डिस्काउंट देगा वो। और मार्क प्राइस जो है पेयर ऑफ जीन का, मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, तो जीन्स का जो रेट है वो कितना दिया है, 1450 रुपीज, क्लियर है इतना। और मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स, ठीक है, तो दो शर्ट्स का कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट निकाल लेंगे पहले, वो कितना है, 850 रुपीज, और मार्क प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट, ठीक है, फर्स्ट शर्ट सेकंड शर्ट, वो भी कितना है, 850 रुपीज। टोटल हम क्या कर देंगे, इनका टोटल निकाल देंगे, ठीक है, तो टोटल मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स वो कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 850 प्लस 850, ये बन जाएगा आपके पास 1700 रुपीज, ठीक है, दोनों का निकाल दिया। अब डिस्काउंट दिया है हर एक चीज पे, सबसे पहले डिस्काउंट ले लो पेयर ऑफ जीन पे, तो डिस्काउंट गिवन ऑन पेयर ऑफ जीन्स, जो पेयर ऑफ जीन्स ली उस पे कितना डिस्काउंट दिया वो देख लेंगे, तो 10% दिया है, और किस पे दिया है, ऑफ मार्क्ड प्राइस। अब मार्क प्राइस आप समझ गए किसका, जीन्स का, यहां पर आ जाएगा 10% ऑफ 1450, ठीक है, तो 10 अपॉन क्या कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1450, एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है, कितना आ गया, 145 रुपीज, यानी कि डिस्काउंट करके उसको 145 लेस देने हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, तो जीन्स का जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ जाएगा, देखो जो मार्क प्राइस है टोटल कितना है, 1450, तो 1450 में से माइनस कर देंगे हम 145 को, तो जब हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 1305 रुपीज, यानी कि जो पेयर है जीन्स का वो मिला उसे 1305 रुपीज का। अब बात करते हैं हम शर्ट्स की, तो शर्ट में क्या करेंगे, यहां भी लिखते हैं कि डिस्काउंट गिवन ऑन टू शर्ट्स, ठीक है, टू शर्ट्स, तो दो शर्ट्स पे जो है वो डिस्काउंट कितना दिया होगा, वो भी 10% दिया, तो 10% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, अब मार्क प्राइस आप समझ गए किसका बोल रहे हैं यहाँ पे, शर्ट का, तो ये आ जाएगा 10% ऑफ 1700, ठीक है, यहां से 10 upon 100 multiply 1700, दो जीरो से दो जीरो, यहां पर आ गया आपके पास 170 रुपीज। अब निकाल लेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना लगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट्स, तो दो शर्ट्स का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, यहां से 1700 में से माइनस कर देंगे 170 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1530 रुपीज, ठीक है, ये निकल के आ गया।
अब जो कस्टमर ने पे किया, ठीक है, कस्टमर ने जो शॉपकीपर को पे किया वो कितना किया, दोनों आइटम्स का कितना किया, टोटल मनी पेड बाय कस्टमर, ठीक है, कितना दिया उसने, देखो पेयर ऑफ जीन्स का आ गया 1305, प्लस कर देंगे शर्ट का 1530, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिला 2835 रुपीज़ आंसर, ठीक है, यानी कि उसने वो दोनों चीजें कितने के लिए, 2835 रुपए की दोनों चीजें उसने खरीदी, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, अ मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच, यानी कि एक मिल्क मैन के पास क्या है, दो बफेलोज हैं, उसने उनको बेच दिया, एक भी उसने 20,000 की बेची और दूसरी भी उसने 20,000 की बेची, ऑन वन ही मेड अ गेन, और जो एक उसने बेची, ठीक है, एक बफेलो को उसने बेचा तो उसको क्या हुआ कि 5% का गेन हुआ, ठीक है, जब उसने एक बफेलो को बेचा तो उसको 5% का गेन हुआ, एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, और दूसरी को बेचने पे उसको क्या हो गया, 10% लॉस हो गया, ठीक है, तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो ये बताओ कि उसको दोनों चीजों को बेचने पर, मतलब जब उसने बेचा, ठीक है, पहली बफेलो को बेचा, दूसरी बफेलो को बेचा, तो उसको क्या गेन हुआ या लॉस हुआ, ओवरऑल गेन और लॉस निकालना है, और हिंट दिया आपके पास कि फाइंड सीपी ऑफ ईच, और यहां पर कॉस्ट प्राइस भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले जैसे हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे वैसे वैसे हम कॉस्ट प्राइस को भी कर लेंगे, तो सबसे पहले क्या करो, लेट कर लेंगे हम, अच्छा लेट क्यों करें, जब हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस को ले लो सबसे पहले, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो वो है हमारे पास 20,000 रुपीज, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो वो भी कितना है, 20,000 रुपीज, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलोज, दोनों बफेलोज का जो है सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 40,000 रुपीज, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद कॉस्ट प्राइस भी हमें हिंट पे देख रखी है, तो हम क्या करेंगे, सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो वो हम मान लेंगे ₹X, और सीपी ऑफ सेकंड बफेलो ये मान लेंगे हम ₹Y, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि जो पहली उसने बफेलो को बेचा तो अब उसको 5% का गेन हुआ, ठीक है, तो गेन ऑन फर्स्ट बफेलो, फर्स्ट बफेलो को बेचने पर उसको गेन हुआ कितना, 5%, अब 5% किसका हुआ, 5% ऑफ, यहां कर देंगे हम सीपी ऑफ फर्स्ट, यानी कि 5%, देखो सीपी से ही हमारा क्या निकलेगा, गेन और लॉस निकलेगा, तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो, ठीक है। अब यहां देखना, ध्यान से समझना, 5 के प्लेस में तो 5 रहेगा, अब यहां पर सबसे पहले लिख लो 5% ऑफ, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो क्या है हमारे पास, एक्स, यहां एक्स लिख दिया, यहां आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई में एक्स, यानी कि ये कितना आ गया आपका, काट दो इसको, 5 × 5 520 × 100, x/20 आपके पास ये आ चुका है, ठीक है, ये आ गया आपके पास गेन। अब ये गेन आया है, हम क्या करेंगे, यहां से देखो सेलिंग प्राइस कैसे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, देखो यहां क्या करो, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो लिख दो, ये हमें पता है, इसका रेट हमें पता है कितना है, यहां क्या हो जाएगा, सीपी प्लस गेन ऑन फर्स्ट बफेलो, ठीक है, ये आपके पास गिवन है 20,000, और ये आपके पास गिवन है सीपी, हमारे पास कितना है, एक्स प्लस, ये अभी निकाला x/20, ये जो गेन ऑन फर्स्ट बफेलो है ना ये निकाला हमने, ठीक है, x/20, ये आ गया 20,000,
इक्वल टू, यहां पर क्या कर लो एलसीएम कर लो, 20 आ जाएगा, यहां पर 20x प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ गया, 20,000 इक्वल टू 21x अपॉन 20। अब x को यहां पर अकेला छोड़ दो, x हमने यहीं रखा, तो 20,000 इंटू ये 21 अपॉन 20 वहां जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि 20 अपॉन 21 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, 2 2 हो जाएगा 4, और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे, और 21 के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम 21 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, यहां देखना 1 2 3 4 और ये 5, 21 से डिवाइड कर दो इसको, तो 21 को हम डिवाइड करेंगे, 21 वन्स आ जाएगा 21, यहां पर कितना बचा आपके पास 9, और यहां पर रहा 1, ठीक है। अब इस जीरो को नीचे लाएंगे तो जीरो आ गया, 21 को करेंगे हम 9 से, ठीक है, 9 से किया तो यह आ जाएगा 189, यहां पर 1 बचा। अब ये जीरो नीचे लेके आएंगे, ठीक है, और साथ में एक जीरो इसको लेके आएंगे तो यहां पर भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब 21 को किया हमने 4 से तो आ गया 84, और 84 को करने पे हमें कितना मिल गया, 100 यहां पर मिलेगा हमें कितना 16, और ये जीरो भी हमारा आ जाएगा नीचे, तो जीरो लगा दो। अब 21 को हम करेंगे किससे, 21 को कर देंगे हम 7 से, तो 7 से किया कितना आया 147, ठीक है। यहां से बचा आपके पास 3, यहां बच गया 1, और जीरो लगाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा, क्लियर है बात। अब 21 को 6 से करो, यह आ गया आपके पास 126, यहां पर बचा आपके पास कितना 4, जीरो लगाओ, और 21 को कर दो अब 1 से, तो 21 आ गया। दोबारा कितना बचा यहां पे 9 1, जीरो लगाओ, और 21 को क्या करेंगे 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे चलता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लिख सकते हैं हम कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गया, यानी कि cp हमारे पास कितना आ गया 19047 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 62, ठीक है 62। तो ये आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो, यहां लिख दो cp ऑफ फर्स्ट बफेलो कितना आ गया 19047.62 रुपीज, ठीक है, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो आ गया। अब हम बात करते हैं कि सेकंड जब उसने बफेलो को बेचा तो उसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है। तो सेकंड में अब हम लॉस ले लेंगे, अब सेकंड बफेलो पे उसको लॉस हुआ है, तो यहां ले लेंगे हम लॉस ऑन सेकंड बफेलो, ठीक है। सेकंड बफेलो के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो कितना लॉस हुआ है 10% का, तो 10% ऑफ सीपी ऑफ सेकंड बफेलो, इतना क्लियर है। अब यहां पर कितना आ जाएगा, अब देखो आप इसको लिख सकते हैं हम 10% ऑफ सीपी ऑफ सेकंड बफेलो, यहां पर कितना आ जाएगा, हमने लिया था वाई, तो यहां आ जाएगा वाई, ठीक है। और वाई लेने के बाद इसको सोल्व कर लो, 10 अपॉन 100 इंटू में वाई, यानी कि 1 10 से 10 आपके पास कितना आ गया 1 अपॉन 10 वाई आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो कितना था, इक्वल टू कर देंगे, अब देखो यहां पर क्या हुआ है लॉस, ठीक है। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस कर देंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास 20,000, क्योंकि दोनों बफेलोस का रेट सेम था, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है सेकंड बफेलो का वाई, और माइनस लॉस में हमारे पास कितना आया 1 अपॉन 10 वाई आया। अब 20,000 को आप यहीं रखो, और इसको क्या कर दो एलसीएम ले लो, यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 10 वाई माइनस का वाई, यानी कि 20,000 इक्वल टू 9y/10, ठीक है। और वाई को अब यहां पर अकेला छोड़ दो, और ये 9/10 यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 20,000 इंटू 10/9, कितना आ गया ये 20, 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है, और डिवाइड में 9 इक्वल टू वाई। अब इसको डिवाइड कर लो, 20, 1 2 3 4 और 9 से करेंगे तो 9 1 9 9 2 18,
यहाँ आ जाएगा कितना, 2, इस 0 को उतारा तो 9 टू ज़ा 18, 2 बचा, इस 0 को उतारेंगे तो 0, 9 टू ज़ा 18, यहाँ पर दोबारा से 2 बचा, इसको उतार दो, यह आ गया 0, 9 टू ज़ा 18, दोबारा 2 बचा, यहाँ से इस 0 को भी लेके आएंगे तो 0, 9 टू ज़ा 18, 2 बचा, डेसिमल लगा लो, 0 आएगा, 9 टू ज़ा 18, दोबारा करेंगे तो 9 टू ज़ा 18 ही आएगा, मतलब ये 2 2 बार बार आता रहेगा। हमारे पास यहाँ पर y कितना आ गया, y इक्वल टू 2 2 2, 1 2 3 4 5, 3 4 और ये 5, 0.22 रुपीज़ आया, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो कितना आ गया, 2 3 4 5 0.22 रुपीज़, ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो। अब हमें करना क्या है, जैसे हमने सेलिंग प्राइस को क्या किया था, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस को हमने टोटल किया था, ठीक है, तो यहाँ भी हम कॉस्ट प्राइस को अब टोटल कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस को जब हम टोटल करेंगे तो टोटल लिख देंगे हम, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बफेलोज, टोटल कितना आ गया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1907.62 और ऐड कर देंगे हम 2 2 2 3 4 5.22 से, ये सारा क्या था, रफ काम था, ठीक है। इसको जब हम प्लस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा 41269.84 रुपीज़, यानी कि टोटल सीपी आ गया 41269 रुपीज़ 84 पैसे। अब देखो ये जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो आप कि जो सीपी है हमारा वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इसका मतलब उसे क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है, उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। अब लॉस निकाल लेंगे, यानी कि ओवरऑल लॉस और गेन बोला था, तो ओवरऑल लॉस उसको कितना हुआ वो हम निकालेंगे कैसे, सीपी माइनस कर देंगे एसपी, यानी कि टोटल जो हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है और माइनस कर देंगे टोटल सेलिंग प्राइस से, टीओटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 41269.84 माइनस कर देंगे 40,000 से, तो यह आ जाएगा आपके पास 1269.84 रुपीज, ठीक है। तो ओवरऑल जो उसको लॉस हुआ वो कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है, 1269.84 रुपये। ये उसको लॉस हुआ, क्लियर है बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द प्राइस ऑफ टीवी इज रुपीज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट रुपीज 12%, यानी कि एक टीवी लिया गया, ठीक है, उसकी जो प्राइस है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है 13,000, और उसमें क्या हो कि सेल्स टैक्स लगा, ठीक है, उसमें टैक्स भी लगा, तो टैक्स कितना लगा, 12% लगा। अब हमें नहीं पता कितना उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट बन गया, अब 12% उस पर लग गया टैक्स, ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, तो बताओ कि टोटल अमाउंट कितना पे उसने किया, किसने, विनोद ने, ताकि वो एक टीवी खरीद सके। 13,000 तो रेट है, लेकिन उसमें 12% के ऊपर टैक्स भी लगा, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी जो है टेलीविजन का वो कितना है उसको लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वो है 13,000, ठीक है, 13,000 रुपीज जो है वो कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें जो है टैक्स लगा, सेल्स टैक्स लग गया कितना, 12% का, किस पे लगा, ऑन टीवी। अब सेल्स टैक्स लग गया 12%, ठीक है, तो 12% ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीपी ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना आ गया 12%, यानी कि 12% ऑफ 13,000 आ गया। यहां से 12 अपॉन क्या कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई 13,000,
दो जीरो से दो जीरो, और 12 और 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1560 रुपीज़। ठीक है, अब उसने टीवी खरीदने के लिए जो पैसे वो देगा, विनोद जो पैसे करेगा पे करेगा, सेलिंग प्राइस टू बाय, सॉरी बी यू वाई आएगा, ठीक है, टू बाय टेलीविजन, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कर देंगे हम जो कॉस्ट प्राइस थी प्लस ये जो सेल्स टैक्स आया, प्लस सेल्स टैक्स। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 13,000 और सेल्स टैक्स कितना लगा 1560, ठीक है, यानी कि 1560 रुपये। तो टोटल कितना बन गया, ये टोटल बन गया हमारा 14,560 रुपीज़, यानी कि 14,560 रुपये का वो टेलीविज़न उसको पड़ा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया टीवी का, वो 14,560 रुपीज़ आंसर। ठीक है, और अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसके भी छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, अगर वो 6th क्लास में पढ़ते हैं तो उनके लिए पूनम्स मंत्रा के नाम से चैनल है, ठीक है, वहां पर आपको 6th क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। यानी कि अरुण ने क्या किया, स्केट्स खरीदे, ठीक है, स्केट्स लिए, सेल लगी थी और उस पर डिस्काउंट लगा था 20% का, तो उसने वो क्या किया, खरीद लिए स्केट्स, खरीद लिए। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, अगर उसने 1600 रुपये, ठीक है, 1600 रुपीज पे किया, फाइंड द मार्क प्राइस, तो उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना हुआ। ठीक है, मार्क प्राइस हमें निकालना है और 20% पे डिस्काउंट है, 20% स्केट्स पे डिस्काउंट है, 1600 उसने पे कर दिया, हमें निकालना है मार्क प्राइस। देखो कैसे कैसे करेंगे, मार्क प्राइस तो हमें पता नहीं, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले जो मार्क प्राइस है, लेट मार्क प्राइस किसका ऑफ स्केट्स, वो कर लेंगे हम ₹x। ठीक है, मार्क प्राइस हमने कर लिया ₹x। अब डिस्काउंट उसे मिल रहा है, डिस्काउंट ऑन स्केट्स, तो डिस्काउंट कितना मिला, वो मिला है 20%, तो 20% किसका हो जाएगा, जो उसका एक्चुअल रेट था, 20% ऑफ मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस तो हमें पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले, यहाँ क्या करो, 20% ऑफ क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना है हमारा एक्स, यहाँ एक्स लिख देंगे, तो 20 अपॉन कितना आ गया 100 × x। ठीक है, यहां से 10 से 10, यहां कितना आ गया x/5, ये आ गया इसका डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट आ गया, जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना बफेलो वाला, बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है। अब सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स इक्वल टू मार्क प्राइस कर देंगे और माइनस कर देंगे हम क्या, डिस्काउंट को, डिस्काउंट को कर देंगे माइनस। अब स्केट्स को जो के जो उसने पैसे दिए हैं वो कितने दिए, 1600 रुपीज दिए हैं, और मार्क प्राइस कितना है एक्स है यहां से, और डिस्काउंट कितना आया -x/5। ठीक है, 1600 इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लो, एक्स 5x - x 1600 इक्वल टू 4x/5। अब x को यहां पर अकेला छोड़ दो, x यहां रखा, 1600 × 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको इजीली काट लेंगे। ठीक है, इसको हम काट देंगे, तो 16 डायरेक्ट काट लो, 4 × 4 = 16, यहां आ गया 400, 400 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आ गया कितना 2000 रुपीज। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2000 रुपीज। हम लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इक्वल टू 2000 रुपीज, यानी कि जो मार्क प्राइस था वो
2000 रुपये था स्केट्स का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 10th नंबर हमारे पास है, देखो 10th नंबर क्या बोल रहे हैं, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% VAT। ठीक है, VAT हो गया वेट, यानी कि यहां बोल रहे हैं कि जो हेयर ड्रायर लिया, ठीक है, उसकी कीमत है 5400 रुपये और उसमें क्या हुआ वेट लग गया, वैल्यू एडेड टैक्स वो लग गया 8% का। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। तो ये बताओ कि वेट लगने से पहले जो हेयर ड्रायर की कीमत थी वो कितनी थी। ठीक है, अभी जो खरीदा वेट लगा करके वो कितना लिया 5400 का, और बिना वेट के वो कितना रेट था उसका, वो हमें निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो हमें नहीं पता उसको हम लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट मार्क्ड प्राइस या फिर लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विदाउट वेट, ठीक है, बिना वेट के वो कितने का पड़ा उसे, इक्वल टू एक्स रुपीज मान लेंगे, और वेट लग गया उसमें, वेट ऑन हेयर ड्रायर वो कितना लगा 8% का, 8% ऑफ कर देंगे हम ये एक्स, ठीक है, 8% ऑफ एक्स, यानी कि आ गया 8/100 मल्टीप्लाई में एक्स, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 8x/100 लिख देंगे। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम प्राइस विद वेट, इक्वल टू कर देंगे प्राइस विदाउट जो वेट था, और प्लस कर देंगे यहां पर ये वेट जो लगा। अब प्राइस विद वेट कितना आया है 5400 आपके पास गिवन है, और प्राइस विदाउट वेट कितना है ये हमारे पास है एक्स, और प्लस में है वेट लगा करके 8x/100 आया, 8x/100। ठीक है, तो 5400 को यहीं रखो, इक्वल टू क्या कर दो एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा, यहां आ गया 100x+8x, यानी कि 5400 इक्वल टू 108/100x। ठीक है, यहां से x निकाल लो, x को अकेला छोड़ो, यहां पर आ जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100/108। तो 108 है यहां पे, अब देखो 54 वनजा हो जाएगा 54, यहां 00 आ जाएगा, और 54 को जब हम 2 से करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब 2 से इसको कर दो, 250 100, यानी कि जो कीमत है हेयर ड्रायर की एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5000 रुपीज। ठीक है, यानी कि विदाउट वेट जो थी वो 5000 रुपये कीमत थी। तो यहां लिख सकते हैं प्राइस विदाउट वेट इक्वल टू 5000 रुपीज आंसर। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी 8.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी 8.3 को सोल्व। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।